नमस्कार दोस्तों, ये सवाल किया हुआ है। देख लीजिए, एक बीघा जमीन को जरीब फीट में कैसे नापें। दोस्तों, यह तो बीघा का मान एक ही राज्य में कई मान होते हैं, कई जगह और कई मान होते हैं, फिर भी हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड बीघा से। दोस्तों, एक बीघा बराबर ये 27,225 स्क्वायर फीट को जानेंगे। दोस्तों, ये स्टैंडर्ड बीघा है और हम लोग एक जरीब बराबर ये 66 फीट से नापेंगे। दोस्तों, इस तरह का यदि प्लाट है, एक 165 फीट इसकी लंबाई, 165 फीट इसकी चौड़ाई होगा। दोस्तों, इतना बड़ा यानी कि 27,225 स्क्वायर फीट का प्लाट एक बीघा इतना बड़ा होता है। और यदि इसको जरीब में जानना चाहेंगे, इस जरीब से 2.5 जरीब होगा, 2.5 जरीब। इसकी लंबाई और चौड़ाई भी 2.5 जरीब होगा। दोस्तों, एक बिस्सा बराबर 1361.25 स्क्वायर फीट होता है और एक बीघा बराबर 20 बिस्सा होता है। यदि 27,225 स्क्वायर फीट को 20 से भाग कर दीजिए तो इतना स्क्वायर फीट आता है। दोस्तों, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1361.25 स्क्वायर फीट। इस तरह से एक बिस्सा बराबर इतना स्क्वायर फीट होता है। और यदि डिसमिल में जानना चाहेंगे, 27,225 को 435.6 से भाग कर दीजिए तो एक बीघा बराबर 62.5 डिसमिल होगा। इस डिसमिल से दोस्तों, एक डिसमिल बराबर 435.6 स्क्वायर फीट के डिसमिल से इतना डिसमिल होगा एक बीघा बराबर 62.5 डिसमिल। दोस्तों, ये 2.5 जरीब को यदि 66 से गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लीजिए, 165 फीट आता है। इस तरह से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं दोस्तों, इजी तरीका से जान सकते हैं। दोस्तों, बीघा का मान कई तरह का होता है, इससे कंफ्यूज होना नहीं है। दोस्तों, पूरा वीडियो को देखिए, तिग्गा जय चैनल का, निश्चित ही जानेंगे। ये ज्ञान का चैनल है दोस्तों, फ्री ज्ञान देने का चैनल है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।